नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है वे लिखते हैं कि गुरुजी मैं नया मकान बना रहा हूँ आपको मकान का नक्शा भेज रहा हूँ प्लीज़ देख कर बताएं कि उचित नक्शा है मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ मुझे उचित मार्गदर्शन दें बोरिंग अभी नहीं हुई है जी प्लाट में कोई गड्ढा नहीं है नॉर्थ फेसिंग प्लाट है डायरेक्शन लिखें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ठीक है और देखिए प्लाट का जो शेप है यूं तो रेक्टेंगुलर है पूरा पर यहाँ ऐसा शो किया है इन्होंने तो देखिए यह तो बढ़ रहा है अच्छी बात है ईशान कौन बढ़ रहा है पर यह जो बढ़ रहा है देखिए इस तरीके से बढ़ रहा है तो इसका ये अच्छा नहीं है इनको चाहिए कि ये इसको इसका सीधा कर लें और ये हिस्सा जो बचेगा वाला इसको सीधा करने के बाद जो बचेगा इसको भूल जाए यदि पड़ोसी का दूसरे का मकान बना हुआ है यदि खास हो तो इसको ईट की दीवार बना के इसको पैक कर देंगे इनको इसका रेक्टेंगुलर होना चाहिए तो ये यूँ हो के यूँ होके और न्यू होके यूँ हो जाएगा ये जरूर करें इसका लालच ना करें ना को उनका बनना अच्छा नहीं होता विवाद और शत्रुता का कारण बनता है इनको चाहिए कि बोरिंग यहाँ कहीं कराएं और इनका सेप्टिक टैंक बनाना हो तो यहाँ के बना सकते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक जरूर यहाँ बनाएँ ताकि ईशान कुन में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनेगा तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ बनने पर मान सम्मान विश्वास सोसाइटी में उनका अच्छा बनेगा ये इन्होंने बनाया है यहाँ से इन्हें मां� एंट्री रखी है यहाँ से आएंगे ये है ना तो कोशिश करें कि ये यदि नॉर्थ फेसिंग तो एंट्री इधर से ना करें एंट्री सामने से कर लें यहाँ से ना करें ईस्ट से एंट्री क्योंकि बाएँ होकर जा रहे हैं बाएँ होकर ना जा। सीधे जाएं सीधे जाएँ या दाएँ होकर जाएं ये गलत है ये ये ना करें इसको यहाँ सीधा कर लें ये एंट्री बंद कर दें है ना और इसके बाद आप आइए ये ठीक है ये दरवाज़ा भी ठीक है इधर इनका बेडरूम है ये दरवाज़ा देखिए पूर्व अग्नय का हो रहा दरवाज़ा सही नहीं है क्योंकि ये पूर्व पूर्व अग्नि का दरवाजा है तो इसके लिए इनको चाहिए दक्षिण इसको थोड़ा कट लगा के दक्षिण अग्न्य से कर लें इसकी प्लानिंग चेंज करें बाकी ईशान बढ़ रहा है टॉयलेट यहाँ दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं ये सब चलेगा पर दरवाज़ा गलत है ऊपर जाने की जीना यहाँ से इन दिया तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकते ठीक है ना और यहाँ से जाके प्रॉपर अच्छा जीना बनाइए यस ठीक है ये हिस्सा इन्होंने वाश एरिया इतना आगे बढ़ा दिया देखिए एक बार जब आप ईशान से यहाँ आ गए फिर आगे बढ़ना सही नहीं यदि आपने गार्डन बना दिया अब ये इसको आगे बढ़ा दिया तो ये इससे क्या होता है ये, ये अग्नि कोन बढ़ गया क्योंकि एक बार अब सीधे चले गए तो ये बढ़ना गलत है यहाँ तो पूरा मकान सीधा बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं पर ये तरीका ये विवाद और कलह का कारण बनता है पर अग्निकोन में ज्यादा मात्रा में पानी नहीं होना चाहिए अग्नि है अग्नि कोने वाश एरिया रखा है सिंह विंग सब चल सकते हैं क्योंकि वो बेहता पानी थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा और क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है ना किचन इनका इस कारण जो है किचन इनका इसमें स्टोर भी अंदर ही है दक्षिण तक आ गया अग्नि में तो है पर किचन दक्षिण तक आ गया क्योंकि इसी का पार्ट किचन का हो गया ये अब दक्षिण में किचन आ जाता है तो परिवार में मानसिक अशांति रहती घर के मुख्या गुस्सा ज़्यादा आता है उसका स्वास्थ्य नरम गरम रहता है एक दूसरा स्टोर अंदर होने के कारण क्या होता है जिसके किचन में ज़्यादा खाने का सामान रखा है किचन से ऐसा स्टोर लगाओ हो जैसे ये है ऐसे लोगों कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है कमाया ऐसे हालात बनती स्थितियाँ बनती है पैसा फिसलता ज्यादा खर्च होता है तो बर्बाद हो जाता है कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो है कुछ भी होता है कारण होता है लाइबिलिटी आती है तो ये गलत है स्टोर का रास्ता बाहर से रखिएगा किचन को थोड़ा और इसको पूरा सीधा कर लीजिए ना तो ये स्टोर भी ये किचन भी दरवाज़ा दरवाजा सही है ये भी दरवाजा ये दरवाजा भी सही है ये आ जाएगा ओपन टू ये जो रखा है इन्होंने ग्लास रूप रखी ऊपर ये कोई दिक्कत नहीं लिविंग एरिया ओके ये बेड भी सही है इसका दरवाज़ा यदि यहाँ से माने तो सही और यदि यहाँ से तो भी सही क्योंकि बाहर हो जाता है ड्रेस और टॉयलेट और यहाँ से होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं और यहाँ से भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं कोई क्लियर नहीं है पर ये बेडरूम ठीक है प्लेस ऑफ बेड भी ठीक है ये सब वापित है नो प्रॉब्लम ये बेड भी सही है ये उत्तर ईशान का हो गया पूर्व ईशान का हो गया ये भी सही है पलंग भी ठीक लगा ये प्रॉपर है ये स्टडी टेबल नहीं यहाँ लगा स्टडी टेबल को जी पूर्व दिशा की तरफ लगाएं इधर लगाने पर क्या होगा और पलंग को भी इस तरीके से लगाए तो ब, बच्चा जो लेटे लेटे पढ़ाई करेगा तो यह तो उसका मुंह पूर्व की ओर होगा और ये पूर्व की ओर मुंह करके पढ़ाई करे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं अपना सब्जेक्ट जल्दी समझते हैं उनको पढ़ने में रुचि बढ़ती जाती है सेकंड चॉइस में उत्तर आता है यानी सेकंड चॉइस में तो है पर फर्स्ट चॉइस अभी पॉसिबल है क्यों ना ऐसा कर ले फर्स्ट चॉइस में रख लेंगे मेरा बहुत अनुभव इस चीज़ का मैंने कई स्कूलों के वास्तु ठीक किया इस तरीके से बोर्ड की जो सिस्टम है क्लास रूम के बदले हैं उन स्कूलों के वास्तु तो अच्छे हुए जिन परिवारों में ये चेंजेस कराएं हंड्रेड परसेंट इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं सिर्फ तो कुछ नहीं करना पूर्व की ओर मुँह करके बच्चा बैठे पलंग वेस्ट की तरफ करके इसे लगा दें सिर इधर रहें पैर इधर रहें ताकि पलंग पर पीठ लगा कर दीवार से लगा के पलंग पर बैठ के पढ़ता है तो उसको मुँह पूर्व की ओर बहुत अच्छी स्थिति बनती है उनका ये गलतियाँ से दूर कर लें इसको सीधा करके वाशा इधर कर लें किचन पूरा कोने पर ले आए उसको रोशनी हवा में मिलती रहेगी वाश एरिया इधर करके स्टोर का रास्ता यहाँ से दे दें वाश अंदर दे सकते हैं ये इधर ले आ, वाश अंदर दे दें और इस स्टोर को अलग से बाहर से रास्ता दे दें सब तो ठीक हो जाएगा इसका कुछ प्लानिंग कर लें कि यहाँ इसको ये इस, इसको थोड़ा छोटा कर लें तो रास्ता यहाँ कहीं ले आएँ इसका यहाँ से बजें यहाँ ले तो अग्नि कौन सट के पूर्व में आ जाए तो भी चल जाएगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी नमस्कार